अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बहुत ही मज़े के पुरानी अनारकली के जो हैं वो सीख कबाब बनाना सिखा रही हूँ, मसाला सीख कबाब। उसके लिए मैंने हाफ कप जो है वो ऑयल लिया है और उसमें मैं तकरीबन 3 कटे हुए स्लाइस में प्याज ले रही हूँ, उनको गोल्डन ब्राउन कर लिए हैं। और इसमें 1 खाने का चम्मच भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है, इसको मैं इसके साथ गोल्डन ब्राउन करूँगी। और इसमें 3 कटे हुए जो है टमाटर, जिनकी मैंने स्किन रिमूव कर ली थी, वो शामिल करके इसके साथ इसे अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। और इसमें 1 चाय का चम्मच हल्दी शामिल करूँगी, साथ में 1 चाय का चम्मच जो है वो नमक शामिल कर दूंगी, और साथ में जो है वो 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पिसी हुई और दरदर कुटी हुई मिर्च, ये तमाम मसाले शामिल करके इसको अच्छी तरह से जो मैं भून लूँगी। और इसमें 1/2 कप पानी ऐड कर दूँगी और मसाले को मैं ग्राइंड कर लूँगी और उसकी भुनाई कर लूँगी। अब हम 1/2 kg चिकन लेंगे, इसका कीमा मैंने कर लिया, उसमें 1 टेबलस्पून भरकर जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगी, साथ में 1 टीस्पून जो है इसमें ज़ीरा साबुत शामिल करेंगे और 1 टीस्पून इसमें सूखा धनिया शामिल करेंगे, 1 टीस्पून इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे और 1/2 टीस्पून इसमें काली मिर्च और 2 खाने के चम्मच इसमें कुटी हुई सब्ज़ मिर्च शामिल करेंगे। और साथ में अब इसमें मैंने जो है वो मटन फैट लिया है वो शामिल करेंगे, तकरीबन 5 टेबलस्पून था, और हल्दी 1/2 टीस्पून यूज़ करेंगे, 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून इसमें दरदर कुटी हुई सुरख मिर्च शामिल कर देंगे। अब 4 प्याज लिए थे, उनको मैंने क्रश करके उसका पानी निचोड़ कर वो इसमें शामिल कर दिया है, इसको अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स करेंगे। ये हमारा जो है कबाब का मिक्सचर रेडी हो गया है। अब इस एक सराख लेंगे और उसमें इसको अच्छी तरह से हम जो है वो लगा लेंगे, इस तरह से हम कबाब बना लेंगे। और चूल्हे पे हम ग्रिल रखेंगे, उसके ऊपर कबाब रखते जाएंगे, उनको ग्रिल कर लेंगे। ये देखिए कितने ही प्यारे जो है वो गोल्डन कलर आ चुका है और कितने ही जूसी बन के रेडी हुए हैं, ये देखें कितने सॉफ्ट हैं और जूसी हैं। और इनकी हमने अब कटिंग कर ली है, कटिंग करने के बाद रेडी किए हुए मसाले में इसमें उसको हम शामिल करेंगे और अच्छी तरह से इसकी जो है वो भुनाई कर लेंगे। उसके बाद हम तकरीबन 1 कप के बराबर जो है वो फिटा हुआ दही लेंगे, उसको भी इसके साथ साथ शामिल कर लेंगे और इसकी भुनाई करेंगे। ये देखिए कितने ही मज़े की जो है हमारे कबाब जो है वो मसाला कबाब रेडी हो चुके हैं। ये अनारकली के फेमस हैं, इसको गार्निशिंग करेंगे। मेरे चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।